वैसे तो देश में किसानों को देश का अन्नदाता होने का मान हासिल है, किंतु आज अन्नदाताओं की हालत देश में दयनीय बनी हुई है। सरकार द्वारा किसानों की समस्याओं का निदान करने की बात की जाती है, तो दूसरी तरफ जमीनी स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार के चलते किसानों को इसका कोई लाभ होता नहीं दिख रहा है। किसान आज अपनी दीन दशा पर आंसू बहाते देखे जा रहे हैं। आज किसानों को भ्रष्टाचार के चलते विकराल परिस्थितियों से गुजरना पड़ रहा है। आखिर किसान किन किन समस्याओं का सामना करे, एक हो तो निपट भी ले। आज किसानों को अपनी फसल बेचने पर भी सुविधा शुल्क देनी पड़ती है, जो बेहद चिंतनीय विषय बना हुआ है। ऐसा ही मामला उभर कर आया है महोबा जनपद के रैपुरा स्थित मंडी में, जो अखिलेश सरकार ने निर्मित करवाई गई थी ताकि दलाली प्रथा से किसानों को मुक्ति मिल सके, किंतु आज इन मंडियों में भ्रष्टाचार का ही बोलबाला है। बिना सुविधा शुल्क दिए किसानों की फसल नहीं तौली जा रही है और ना ही भुगतान किया जा रहा है, जिसके चलते किसान बेहद परेशान बना हुआ है। सरकार व जिम्मेदार उच्च अफसरों की निष्क्रियता का फल अब अन्नदाताओं को भुगतान पड़ रहा है। किसानों की फसल खरीद में भ्रष्ट कर्मचारियों द्वारा सुविधा शुल्क के नाम पर 30 से लगाकर 40 रुपए प्रति कुंटल वसूला जा रहा है, तो वहीं वैक्सी से करहा रहे किसानों को मजबूर होकर सुविधा शुल्क देना पड़ रहा है, तब जाके उनकी फसल की खरीद तौल व भुगतान किया जाता है। इस तरह किसानों को इन भ्रष्ट अफसरों को मजबूर होकर सुविधा शुल्क देनी पड़ती है। इस बात को लेकर जिम्मेदार अफसर निष्क्रिय बने हुए हैं, जिसके चलते किसान आज इन भ्रष्ट अफसरों के भ्रष्टाचार से तंग आ चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज। यहाँ पे ये समस्या है कि जो माल 3 दिन पहले से पड़ा है उसमें कह रहे थे आज से तुलाई जारी होगी, तो इन्होंने जो शेष माल पड़ा था कह रहे थे सबसे पहले इसी में तुलाई जारी होगी और जो ट्रैक्टर खड़े हैं उनमें बाद में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो पेमेंट पर ट्रैक्टर आए हैं उनका काम पहले जारी हुआ और छजना भी लगा दिया। जो माल पड़ा था वो सब पास माल पड़ा था, कह रहे थे ये इसमें सबसे पहले तुलाई होगी, वो नहीं इन्होंने किया। शिक्षा के लिए है तो कहा जा शिक्षा काट दो, तो जो सूपा में या अदर जगह पे शिक्षा बनाते हैं 3-4। मेरा मामला ये है कि हम लोग जो ट्रैक्टर आए थे वो काफ़ी दिनों से खड़े हैं, 8 दिन हो चुके हैं, और इस साइड पे तीसरी बार माल तोड़ रहा है पूरा, और यहाँ सब पैसों से हो रहा है, चल रहा है। वहाँ से सब हमारे गाँव से कम से कम 6-7 ट्रैक्टर लगे हुए हैं, किसी को 7 दिन, किसी को 8 दिन हुआ है। वहाँ से यार ट्रैक्टर हैं जो 7-7 दिन से खड़े हुए हैं, किसी का माल नहीं चल रहा है। पिछली रात कोई छन्ना नहीं लगा था, अब आज से छन्ना लगना स्टार्ट। यहाँ पर ये चना बेचने के लिए आए थे, यहाँ पर कोई सुनाई नहीं हो रही। यहाँ पैसा जमा करने के बाद भी बता दिया नंबर मिल जाता हूँ, और जो दलाल लोग हैं यहाँ जो लोग हैं उनके यहाँ पर एडवांस लिया और उनका नंबर लग जाता है। तो आपको कितना दिन हो गया यहाँ पर? 9-10 दिन हो गया। 9-10 दिन से आपका कोई चना अभी बिक्री नहीं हुआ? नहीं। और नहीं हुआ कैसे हो रहा है? कई चीज़ें हो रहा है। लगभग कितना पैसा लिया जा रहा है इनसे? वही लिया जा रहा है कि 300 रुपये क्विंटल, 400 रुपये क्विंटल। अब पैसा देने के बाद भी हमारा नंबर नहीं लगा, पैसा ले गए तो वापस कर दीजिए। समस्याएं ही समस्याएं हैं यहाँ की। यहाँ की एक समस्या हो तो आपको बताई जा, यहाँ का जो खरीद केंद्र चल रहा है ये पूरा भगवान ही भरोसे चल रहा है। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, इन्होंने किसी किसान को सूचीबद्ध नहीं किया, इनके पास कोई रजिस्टर नहीं है, कोई रजिस्टर नहीं है। भगवान मानिए, ये कोई सूची टांगते हैं, ये इनको कायदे से सूची टांगना चाहिए कि आज फला का नंबर है, आज फला का नंबर, ये कोई व्यवस्था नहीं है। इन्होंने जैसा कह दिया वही चल रहा है, मनमानी तरीके से काम चल रहा है, कोई सुनने वाला नहीं। जैसा कि यहाँ पर किसानों ने आरोप लगाया, अभी मेरी बात हुई है।